नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, ये है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पर हर्ष नहा धो के हो गया है तैयार, क्योंकि आज है इसका बर्थडे। तो ये अभी नहा के मंदिर जाएगा अपने पापा के साथ। तो बस ये नहा धो के तैयार हो गया है तो मंदिर जाने के लिए। और आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी विशेज हर्ष को देना। आज इसका बर्थडे है, वो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है। और आप लोग भी ढेर सारी विशेज देना हर्ष के लिए। तो बस ये तैयार हो गया है, अभी जाएगा ये मंदिर में। और वीडियो तो ये लेट ही जाएगा, लेकिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी है हर्ष के बर्थडे की, और आप लोगों ने ढेर सारी विशेज दी है उसके लिए। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है श्याम का टाइम, और हम इनको बोल रहे थे कि आज ड्यूटी मत जाओ, लेकिन आज इनका जाना जरूरी था। बहुत बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा जरूरी काम है, आज जाना जरूरी है। और बोल रहे थे कि 3-4 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन ये 3-4 बजे क्या, 6 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। और यहाँ पर 5 बजे का ऑर्डर किया था शायद इन्होंने केक का, तो केक आ चुका था। तो उसके बाद तो क्या है, बच्चों का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बार बार अपने पापा को फ़ोन कर रहे थे, मैंने भी किया था, मैंने एक बार, लेकिन बच्चे बार बार कह रहे थे पापा जी कब आओगे, पापा जी कब आओगे। लेकिन इनका थोड़ा सा जरूरी काम हो गया था, इसलिए ये नहीं आ पाए। लेकिन केक आने के बाद बच्चों का वही होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बोल रहे थे कि मम्मी केक कब काटेंगे, केक कब काटेंगे, बर्थडे मनाओ। और यहाँ पे फिर मैं इनको बैलून लाकर थोड़ी सी डेकोरेशन करने लगी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जिद कर रहे थे कि पापा जल्दी आओ। तो मैंने थोड़ा सा ये है इनको उलझा लिया बैलून वैलून फुलाने में, डेकोरेशन करने में। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो ठंड बहुत हो रही है, ऊपर से ये नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या पता नहीं कब तक आएगा, इनको कितना टाइम लगेगा, इसका कुछ अंदाजा नहीं था। तो इस वजह से बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने कहा जब ये आ जाएंगे तभी देखते हैं, क्योंकि खाने पीने का सामान, जो भी सामान लाना था, ये शाम को ही लेकर आना था। बस केक का ऑर्डर कर दिया था इन्होंने, बाकी सामान ये साथ के साथ ही लेकर आएंगे। और ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी ने भी नई ड्रेस पहन के तैयार हो गए हैं बर्थडे में, हर्ष की बर्थडे पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए हैं। रिया ने नई नई ड्रेस पहना दी है, इत्र लगा दिया है, और यहाँ पर थोड़ा से फीके फीके लग रहे थे हमारे कान्हा जी, तो मैंने इनका मेकअप कर दिया है। मेकअप मैंने नेल पेंट ला रखी है येलो कलर की, वाइट कलर की, और जो आईलाइनर होता है वो वाला ला रखा है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए आईलाइनर से और वाइट से आँखें बना दी है, और येलो कलर की भी नेल पेंट है। तो मैं इसी से कान्हा जी का जो है मेकअप करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेकअप कर दिया है, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी दोनों ही। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आ गए थे, लेकिन मार्केट गए थे अभी, अभी मार्केट से नहीं आए थे, लेकिन कुछ खाने पीने का सामान ये बच्चों को देकर भेज दिया था उन्होंने। तो ये मैंने मेज पर तब तक केक वगैरह लगा दिया है और कान्हा जी को बिठा दिया है, जब तक ये नहीं आएंगे। अब बच्चों का रुकना बहुत मुश्किल हो गया था, बोल रहे थे मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। तो देखिए ये यहाँ पर आ गए है, हर्ष ने कैंडल जला दी है, तो अब होगा केक कटिंग। तो यहाँ पर केक कटिंग चल रही है, और नमन ने थोड़ा सा चाकू लगा दिया केक को, तो हर्ष यहाँ पर नाराज हो गया था कि मेरा केक है, मेरा जन्मदिन है, मैं ही केक काटूंगा। तो हम बोल रहे थे कि जब नमन का बर्थडे आएगा तब तुम काट लेना, और इसका भी आने ही वाला है। तो बस वही सब, ले इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है है ना हर्ष? अभी भी सुन रहा है, यहीं मैं वॉइस ओवर कर रही, तो यहीं खड़ा होकर सुन रहा है। तो बस यहाँ पर
केक कटिंग हो गई है, अब एक दूसरे को खिला देते हैं और जो भी खाने पीने का सामान है पहले हम कान्हा जी के लिए निकाल देते हैं, कान्हा जी को खिलाएंगे, उसके बाद आप सब भी आ जाइए और बर्थडे केक इंजॉय कीजिए। और यहाँ पर ये देखिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, मैंने मना किया था कोल्ड ड्रिंक नहीं लेकर आनी है, लेकिन इन्होंने जब फ़ोन पर बात चल रही थी तब सुन लिया था बच्चों ने, तो बोलने लगे नहीं पापा ज़रूर लेकर आनी है, वही ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा और नमन को रिया को थोड़ी सी ठंड लग भी रही है, जुकाम हो रहा है, फिर बस वही है आपको पता ही है बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो बोलने लगे नहीं पापा ज़रूर लाना, तो ये छोटे ले आई है, बड़े वाले नहीं लेकर आए, छोटे वाले ले आए हैं, तो बच्चों की जिद के सामने फिर बच्चों की खुशी के लिए ही करते हैं सब, चलिए कोई बात नहीं। और फिर हमने केक कटिंग कर लिया है, एक दूसरे को खिला रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए केक को। और अब हम कान्हा जी को वहाँ से उनके स्थान पर बैठा देंगे, क्योंकि वहाँ पर सब खाने पीने का सामान रखा है तो कहीं झूठे हाथ ना लग जाए, तो हम कान्हा जी को बिठा देंगे उनकी जगह पर जहाँ पर हम उनको बैठाते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर बैलून फोड़ रही थी, लेकिन हर्ष रोने लगा क्योंकि इसने अभी अभी चॉकलेट खाई थी, तो उसकी वजह से इसकी जाड़ में लग गई है, शायद बोल रहा था कि मेरे जाड़ में दर्द हो गया है, तो बस वही कुल्ला करने के लिए गया है ताकि थोड़ा सा वही फंस गई होगी दांत के अंदर तो उसमें दर्द होने लगा है, तो बस वही है बच्चे हैं मानते नहीं है, नहीं तो ये चॉकलेट वगैरह नुकसान ही देती है। और ये देखिए मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए केक, तो लीजिए आप लोग भी केक एंजॉय कीजिए। और ये देखिए रिया ले आई है टॉफ़ी, तो रिया कान्हा जी को भी खिलाएगी अब सारा सामान और आप लोगों को भी, तो आप देखना जो भी अब हमने कान्हा जी को बिठा दिया है उनके स्थान पर, जो कान्हा जी की टेबल आप लोगों ने देखी होगी, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत बड़ी टेबल है, तो उसी के ऊपर मैंने ट्राईपोर्ड लगा दिया था अपना, तो वहीं से वीडियो भी बन रहा है। और अब हमने कान्हा जी को बिठा दिया उनके स्थान पर, और ये देखिए जो भी खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, चाउमीन वगैरह है, गुलाब जामुन, कोल्ड ड्रिंक और सोया चाप, पिज्जा, तो सारा सामान है खाने पीने का। और ये देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को और कान्हा जी को खिलाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। और ये देखिए किसी का बर्थडे हो और उसके लिए गिफ्ट ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर हर्ष के लिए लेकर आए हैं लेजर गन, तो यहाँ पर इसने खाने पीने में इसका कोई ध्यान नहीं था, इसकी यही सबसे बड़ी गलत आदत है कि जो भी मतलब खेलने का सामान लेकर आता है तो इसको खाने पीने का कोई होश नहीं रहता, फिर तो सुबह से आम स्कूल से आते ही तो बस वही खिलौने की जो भी इसकी जिद होती है वो मंगवा कर रहता है और फिर उसी में लगा रहता है, कोई ध्यान नहीं। अब हम सब लोगों का खाने पीने में ध्यान है लेकिन उसका अपने खिलौने में ही ध्यान रहेगा, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएगा, मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा इसी वजह से मैं इसके खिलौने लाने के लिए मना करती हूँ क्योंकि फिर इसका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं रहता है। अब मैं इसको बोल रही थी कि पहले खाना खा ले, कुछ खा पी ले, उसके बाद अपने गिफ्ट को खोलना, उसके बाद खेल लेना, लेकिन ये मान नहीं रहा था, ये उसी में लगा था बस। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, मतलब कोई खिलौना इसके लिए लेकर आते हैं तो बस उसी में लगा रहता है, फिर इसको खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रहता, और बच्चे का यही होता है बस खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो ये देखिए तो बस ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपने गिफ्ट को देखकर खुश हो गया था और आप लोगों को भी फिर दिखा रहा था, तो फिर ये बोलने लगे कि तुम लोग इसके लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए हो, तुम लोग पैसे दो इसको तो इन्होंने हमें पैसे दिए, फिर हमने हर्ष को दिए, तो बस बर्थडे मन गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन, आप लोगों को कैसा लगा, ये सिंपल सा ही मनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, और आप लोगों को कैसा लगा ये सेलिब्रेशन कमेंट करके ज़रूर बताना, और हर्ष को भी ढेर सारी विशेस देना। तो देखिए ये यहाँ पर मैं कैप लगा कर देख रही थी कि मैं जोकर जैसे बन गई हूँ, कभी इनको लगा कर देख रही थी, कभी अपने आप को अच्छा लग रहा था मुझे, और ये कैप इन्होंने यहाँ पर तोड़ भी दी थी, और वैसे सामान और भी रखा था डेकोरेशन का, इसका जो पहले बर्थडे मनाया था वो भी डेकोरेशन का सारा सामान ऐसे का ऐसा रखा है, लेकिन वही अब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से इनका नहीं पता था कि किस टाइम तक आएंगे, किस टाइम तक केक कटेगा, तो बस उसी चक्कर में ज़्यादा डेकोरेशन, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन ऐसा कुछ कर नहीं पाए, तो बस जैसा भी हो पाया कर लिया, बच्चे भी खुश है और हम भी खुश हैं।
और आई होप आपको भी ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।